हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। मैथ्स ओलंपियाड का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं बच्चों। देख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8ab, फाइंड ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। हमको बच्चों इसकी वैल्यू बताना है कि ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान तरीका आपको बताएंगे इस सवाल को लगाने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या गिवेन है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8ab, ये हमको गिवन है बच्चों। ठीक है, अब हमें मान किसका बताना है, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो पहले a माइनस बी की वैल्यू निकाल लीजिएगा, उसके बाद a प्लस बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, तो यहां पे आपका क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब हम दोनों ओर माइनस का 2ab कर देंगे बच्चों। क्या कर देंगे, सबट्रैक्टिंग कर देंगे 2ab। ठीक है, तो यहां पे माइनस का 2ab यहां पे करेंगे और इधर भी आप माइनस का 2ab कर दीजिए बच्चों। ये देखिए, ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला लिख गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी टू द पावर ऑफ 2, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है बच्चों। देख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 8ab में से 2ab जाएगा तो बचेगा 6ab। अब बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर है और चूंकि हमें वैल्यू ए माइनस बी की चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहां बचेगा ए माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 6ab। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ठीक है, तो a माइनस बी की तो वैल्यू हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे a प्लस बी की वैल्यू। उसके लिए हमें फिर से यहां वापस आना पड़ेगा बच्चों। तो हमने लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8ab। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये समझना है कि दोनों ओर आपको प्लस का 2ab कर देना है बच्चों। क्या कर देना है, प्लस का 2ab। ये देखिए, प्लस का 2ab कर दीजिए, तो 8ab में भी प्लस का 2ab कर देंगे। अब हम इसको यहां लगाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 8ab में 2ab ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10ab आएगा बच्चों। कितना आएगा, 10ab आएगा। अब फिर से इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो a प्लस बी स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों, इस तरह से रूट लग जाएगा, रूट 10ab। इक्वेशन हो गई आपकी सेकेंड। अब बच्चों ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, दोनों से देख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी हमको मिल गया है, तो हम अपने इस वैल्यू में क्या करेंगे, लगाएंगे। यहां लिख लेंगे a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो a माइनस बी की वैल्यू आप देख सकते हैं कितना है, रूट में 6ab है, अपॉन a प्लस बी की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से देख सकते हैं कितना है, रूट 10ab है बच्चों। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है बच्चे, इस रूट को अलग अलग करना है, तो यहां लिखेंगे रूट 6 और यहां लिखेंगे रूट ab। ठीक है, यहां लिखेंगे रूट 10 और यहां लिखेंगे रूट ab। तो ये रूट ab से रूट ab क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, और यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा रूट 6 और रूट 10। तो इसको एक ही रूट में लिख सकते हैं, रूट 6 अपॉन 10, 2 3 6 और 2 5 10 हो जाएगा बच्चों। आप चाहो तो फिर से इसको अलग अलग लिख सकते हैं या फिर यही पे इस तरह से ही छोड़ सकते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि इसकी वैल्यू कितना आएगा, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 और रूट को अलग करेंगे तो रूट 5। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये देख सकते हैं, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाया बच्चों। आपको कुछ नहीं करना है, a माइनस बी की वैल्यू निकालना है, a प्लस बी की वैल्यू निकालना है और इसमें लगा देना है, देन आपको आंसर आपका मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सवाल लगाना था।